तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आज मैं आप लोगों को उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का जो फॉर्म आया है जीपी रेटिंग का, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चल जाना है और लिखना है उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी। जैसे ही लिखिएगा इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वेबसाइट, इसी वाले आइकन पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का जीपी रेटिंग का फॉर्म आ चुका है और ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए नोटिस में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है सारा चीज़, ठीक है। ये आपका जनवरी टू जुलाई बैच 2024 के लिए आया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने एडवर्टीजमेंट में क्या निकाला है, सबसे पहले हम लोग ये डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद सारा टोटल डिटेल में देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में बातें कही है। तो इसको हम पीडीएफ फॉर्म में क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद डिटेल में समझ लेते हैं। तो उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी में एडमिशन के लिए नोटिस निकाला गया है और जो बैच रहेगा वो जनवरी टू जून रहेगा। सही बात है, जुलाई मैंने कह दिया गलत, यानी जनवरी 2024 के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपका 10th पास होना चाहिए, 40% नंबर होना चाहिए और इंग्लिश में 40% नंबर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने 10th पास किया है और आपका 40% नहीं है, तो 10+2 में भी अगर 40% इंग्लिश में है तभी भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि या तो 10th में 40% ओवरऑल होना चाहिए और इंग्लिश में 40% होना चाहिए, अगर नहीं है तो 12th में भी अगर 40% है और इंग्लिश में 40% है तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एज की बात इन्होंने क्लियरली एज में आपको मेंशन कर दिया है, ध्यान से देखिए, कह दिया है कि आपकी एज 17.5 से 25 के बीच होनी चाहिए। अगर आप ST/SC कैंडिडेट है तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, अगर आपने डिप्लोमा वगैरह या डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने आपको बोल दी है। क्वेश्चन की बात हम लोग कर ले तो जो क्वेश्चन है आपका जो कोर्स का फ़ी है वो उड़ीसा कैंडिडेट के लिए, जो उड़ीसा के निवासी हैं उनके लिए 1,25,000 रुपया और जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए 1,45,000 रुपया, इसी में आपका रहना खाना पीना सब इंक्लूडिंग है। और आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है और फॉर्म फिलअप करते समय आपको क्या क्या चीज़ें बनवानी है, इस पर हम आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और जो आपको फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करके स्पीड पोस्ट करना है और वो आपका 20 अक्टूबर 2023 के पहले पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद पहुंचेगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म के साथ साथ आपको 500 रुपये का DD बनवाना है। जैसे वो DD कहाँ से बनवाना है, आपको अपने किसी भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक जो नेशनलाइज बैंक है उसमें चले जाना है। अधिकतर बैंक ऑफ इंडिया में, SBI में, केनरा बैंक में, पंजाब में, एक्सिस में, HDFC में, IDI में, सेंट्रल बैंक में, कहीं भी आप जाइए जहां पर आपका अकाउंट है या किसी दूसरे के अकाउंट से भी आप बनवा सकते हैं, डजंट मैटर। अब लड़के बोलेंगे कि सर मेरा अकाउंट नहीं है, तो दूसरे के अकाउंट से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको 500 रुपये का DD बनवाना है किस फेवर में, तो उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी पेएबल पारादीप। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि किस ब्रांच में आपको पे करना है, जब DD बनाइएगा तो कहिएगा कि पारादीप में पे करना है, और जैसे लिखा है ना उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी वैसा ही लिखना है, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई, यहाँ पर इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप चाहे तो यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं 10 बजे से 4 बजे के बीच। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद अब हम लोग यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं अप्लीकेशन फॉर्म। अप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का खुलेगा और खुलने के बाद अप्लीकेशन फॉर्म में आपको डिटेल में हम सारी चीज़ें बताएंगे, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको क्या करना है, तो इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो प्रिंट आउट में लड़के बोलेंगे भैया कैसे प्रिंट आउट निकालना है, तो ये ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट है तो आपको ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसको फॉर्म को फिलअप करना है। कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, याद रखिएगा, एक नंबर में पूरा नाम, नंबर दो में आपको यहाँ पर DD MM ईयर है आपका, डेट ऑफ बर्थ आपको क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो 10th के मार्कशीट में आपका नाम है ना वही यहाँ पर लिखना है और जो 10th के मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ है वह लिखना है। और यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। तो अब याद रखिए, बहुत लड़के बोलेंगे कि भैया फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, तो चलिए मैं आपको फ़ोटो का साइज़ बता देता हूँ।
फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि फ़ोटो का साइज़ 30 mm x 40 mm होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ प्लेन बैकग्राउंड विदाउट कैप, और जो पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए एकदम प्लेन होना चाहिए, अगर वाइट बैकग्राउंड लगाएंगे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर डालिए, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आपके पास इंडोस नंबर है तो इंडोस नंबर डालिए। बहुत लड़के बोलेंगे भैया इंडोस नंबर क्या होता है, तो बहुत सारे लड़के जीपी रेटिंग के पहले एसटीसीडब्ल्यू कोर्स कर लेते हैं, उनको पता नहीं रहता है तो उनको इंडोस नंबर मिलता है। तो जो लड़के एसटीसीडब्ल्यू कोर्स किए हैं उनको इंडोस नंबर मिला होगा तो डालिए, और नहीं मिला है तो छोड़ दीजिए। पासपोर्ट नंबर है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम डाल देना है और सन ऑफ अपने फादर का नाम डाल देना है। आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपना एक विलेज लगाकर एड्रेस में विलेज डाल दीजिएगा, क्योंकि विलेज का ऑप्शन नहीं। प्रेजेंट एड्रेस में भी वही डाल दीजिएगा जो आपका है, या कहीं दूसरा जगह रहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी परफेक्ट डालिएगा क्योंकि मेल आएगा ईमेल पर। नंबर 5 में बोला है नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन डालेंगे और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालेंगे जो चालू हो, ठीक है। अब बहुत लड़के बोलेंगे कि भैया 10, 12 ITI सब हमने किया है तो हम लोग डालें कि नहीं डालें, तो भाई जितना आपने किया है सब डाल दो। अगर आपने 10th पास किया है, कब पास किया है वो डालेंगे, ओवरऑल आपका कितना परसेंट आया है वो डालोगे, इंग्लिश में कितना परसेंट आया है वो डालोगे। PCM कहने का मतलब है ना कि जैसे बिहार बोर्ड में या UP बोर्ड में ना साइंस एक ही में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबको एक ही में डोड़ा जाता है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री यानी साइंस का नंबर और मैथ का नंबर दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना, वही आपका परसेंट निकल जाएगा PCM का। जैसे मान लो कि हमारा साइंस में आया है 80 नंबर और हमारा मैथ में आ गया है, मान लो हमारा मैथ में आ गया है 90 नंबर, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, तो 170 नंबर। 170 में 200 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका हमारा 85, तो हम इसमें क्या डाल देंगे 85%, और टोटल हमने कितना मार्क्स लाया है वो हम डाल देंगे पूरा, और हमने किस बोर्ड से पास किया, जैसे बिहार बोर्ड तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड तो यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड तो हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड तो CBSE बोर्ड, उसी तरह 10th में जो आपने पास किया है वहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपने ITI किया है तो वो सारा डिटेल डालो, नहीं किया है छोड़ दो। अगर आपके पास STSC सर्टिफिकेट है तो डालो, नहीं है तो छोड़ दो। आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, अगर आपको पता है तो आप अपना, जैसे आप जिस गांव में पैदा हुए वो डाल सकते हो, और गांव डालोगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दो, जैसे छपरा में पैदा हुए छपरा, सिवान में सिवान, गोपालगंज गोपालगंज, कानपुर में कानपुर, इस तरह डाल दो, ठीक है। जो आपका स्टेट पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डालो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप अपना हाइट सेंटीमीटर में डाल दो, जैसे मेरी हाइट 162 सेंटीमीटर तो यहाँ पर 162 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। आप अपना वेट डाल दो तो यहाँ पर आप अपना वेट डाल देना, जैसे आपका वेट 62 है तो 62 आई साइड में नॉर्मल ही डाल देना, कलर ब्लाइंडनेस में नो डाल देना, ठीक है। आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और आई साइड आपका नॉर्मल है तो यहाँ पर यस, कलर ब्लाइंडनेस आप हो तो नहीं, हम कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यस डालना, यहाँ पर नो डालना। अब जो आपने DD बैंक से बनवाया है, तो आपने 500 रुपये का DD बैंक से बनवाया है ना, तो DD जब बनाओगे तो वहाँ पर DD नंबर मिलेगा और किस डेट में बनवाया वहाँ पर डेट लिखा रहेगा, तो DD नंबर और डेट आप डाल देना और इसको इसी तरह ब्लैंक छोड़ देना है। और यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डाल देना है और सारा चीज़ कैपिटल लेटर में भरना, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना साइन कर देना। साइन करने के बाद इसके साथ साथ आपको क्या लगाना है, तो जो जो डॉक्यूमेंट आप फिल कर रहे हो ना, जैसे 10, 12 की मार्कशीट, ITI जो आपके पास है वो सारा, उसका कलर प्रिंट आउट या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालना, जीरोक्स करवाना और उस पर अपना साइन कर देना, और वही डॉक्यूमेंट इसके लगा के इसके साथ अटैच करके आपको क्या कर देना है, तो सेंड कर देना है। अब बहुत लड़के बोलेंगे कि भैया किस एड्रेस पर सेंड करना है, तो देखो इसी वाले एड्रेस पर आपको सेंड करना है, ठीक है। उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी एट पोस्ट पारादीप पोस्ट, जो लिखा है उड़ीसा इतना, टेलीफोन नंबर इतना, इसी वाले आइकन पर आपको क्या कर देना है, तो इसी पर आपको क्या कर देना है, फॉर्म फिलअप करके आपको इसी वाले एड्रेस पर स्पीड पोस्ट कर देना। स्पीड पोस्ट वहाँ पर चला जाएगा, जाने के बाद क्या होगा, अगर आपका फॉर्म वैसे रिसीव ही होगा तो आपको एडमिट कार्ड आपके मेल पर आ जाएगा या लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यही एक छोटी सी वीडियो है, और उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी के लिए भाई बहुत लड़के इंटरेस्टेड थे कि भैया फॉर्म कब आएगा, वीडियो बनाओ, तो फॉर्म आ गया है, फॉर्म फटाफट फिलअप करो, और फिलअप करने के बाद उसको स्पीड पोस्ट कर दो, आराम से फॉर्म आपका पहुँच जाएगा। और इस कॉलेज की फ़ी भी कम है, अगर मे बी परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छा रहा तो मे बी प्लेसमेंट का भी चांस है।
अब बहुत लड़के बोलेंगे कि भैया उड़ीसा मेरीटाइम एकेडमी में 100% प्लेसमेंट है, तो नहीं, माने कुछ हद तक प्लेसमेंट है, ये नहीं है कि साफ ही प्लेसमेंट नहीं है, तो कुछ हद तक प्लेसमेंट है। परफॉर्म अगर अच्छा करोगे, अगर कंपनी आपके टाइम आएगी तो ज़रूर आपको रिक्रूट करके लेके जाएगी। और इसमें थोड़ा दिक्कत यही होगा क्योंकि क्राउड ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर मात्र 40 सीट ही है और बच्चे भर भर के फॉर्म डालेंगे तो थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होगा ही। तो आप लोग प्रिपरेशन करें, और कोई भी मेरे से मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। और यही एक छोटी सी वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।